सो so, आज की मेन न्यूज़ जो जिसपे हम थोड़ा और डिटेल में आज बात करेंगे दैट इज अबाउट द बिल्कीस बानो केस एंड द कल्परेट्स द कल्परेट्स विल बी रिटर्न टू जेल नाउ दिस इज रिगार्डिंग इंडिया नथिंग टू डू विद पाकिस्तान बिल्कीस बानो केस क्या था इस पे जरा थोड़ी सी मैं रोशनी जो है वो डाल देता हूँ और सो लेट्स लेट्स टर्न बैक द क्लॉक टू 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 uh, आप जानते हैं कि भारत में uh, बहुत ही खौफनाक मुस्लिम खुश फसाद हुए थे इन द स्टेट ऑफ गुजरात यू गाइज वुड रिमेंबर नरेंद्र मोदी जो है वो उस वक्त चीफ़ मिनिस्टर uh, गुजरात जो है वो हुआ करते थे और uh, वाक़ा कुछ ऐसा हुआ था कि एक ट्रेन थी जिसका नाम साबरमती एक्सप्रेस था uh, वो अयोध्या से कुछ पिलग्रम्स को लेके कुछ यात्रियों को लेकर वापस uh, आ रही थी टू अहमदाबाद और साबरमती एक्सप्रेस में उसमें यात्रियों की जो बोगी थी उसमें लग गई आग और जब उसमें लगी आग तो उससे क्या हुआ कि जी काफ़ी सारे जो यात्री हैं वो उसमें मर गए और जब उनके मरने की खबर अहमदाबाद तक पहुंची और दीगर शहरों तक पहुंची तो फिर हुआ ये कि ये खबर फैला दी गई कि मुसलमानों ने जो है वो ये आग लगाई है बिकॉज याद रहे जी ये वो टाइम था कि जिस वक्त अयोध्या और राम मंदिर और ये तमाम वाक़ात जो ये उस वक्त इनकी गूंज आपको उस वक्त तक सुनाई दी जा रही थी और इंडिया शायद अभी भी बहुत डिवाइडेड है लेकिन उस वक्त शायद मुसलमानों की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड थी अब तो मुसलमानों की आवाज़ बिल्कुल वहाँ पे दब चुकी है तकरीबन ना होने के बराबर है सो so, गुजरात में ये राइट्स हुए थे जिनको गुजरात दंगे कहा जाता है गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात कहा जाता है और इवन दो जो ऑफिशियल नंबर है दैट इज़ समवेयर अराउंड 800 के करीब कोई 900 के करीब लोग जो है वो मारे गए थे जिसमें अराउंड कोई 70 80 परसेंट मुसलमान थे लेकिन सम अनऑफिशियल फिगर्स सजेस्ट दैट मोर देन टू थाउजेंड पीपल डाइड ये तीन से चार दिन का जो मामला हुआ था उसमें तकरीबन कोई दो से जायद लोग जो है वो मारे गए थे uh, नरेंद्र मोदी एज आई सेड उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था और आ, कहते ये हैं कि जी उनकी पूरी की पूरी आ, उनकी कहते ना कि नाक के नीचे ये वाक़ हुए थे और आ, आ, और ये भी कहा जाता है जो नरेंद्र मोदी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है इवन दो इंडिया की कोर्ट्स ने उनको बिल्कुल इस मामले से बरी कर दिया वो ये था कि नरेंद्र मोदी कुड हैव डन अ लॉट वो काफ़ी कुछ कर सकते थे आ, बचा सकते थे और काफ़ी जैसे कहते हैं कि

कहा नहीं था ऑफकोर्स देर इज नो एविडेंस अबाउट दैट लेकिन कहते हैं कि कनाइवेंस उनकी जरूर शामिल थी इस पूरे मामले में आ, अगर आप लोगों को मौका मिले आ, तो इस पर जाहिर है नेचुरली इस पर फिल्म वगैरह मूवीज और बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो बनी है लेकिन इज अ वेरी नाइस इंडियन मूवी नेम कायपोचे अगर आपको कायपोचे अगर मौका मिले तो जरूर देखिए आई डोंट नो वेदर दैट्स और नेटफ्लिक्स और नॉट लेकिन बहुत जबरदस्त मूवी थी और उस फिल्म का तकरीबन इट वॉज अबाउट द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स हु लिव ड्यूरिंग टाइम्स और किस तरह दोस्तों के दरमियान दरार आती है इन दंगों के दरान और इन फसादात के दरमियान सो so, जब 2002 के ये मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे अहमदाबाद उसके गिरदा में और इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात उसमें कुछ केसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लन्स उन्होंने हासिल की थी जिसमें से एक केस था नरोदा पाथिया मैसिकर जिसमें सत्तानवे मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए थे जाँब हुए थे आ, एक लिटरली मैसिकर वहाँ पर हुआ था और बड़ी तादाद में मुसलमानों को जो है वो तलवारों से वो बहुत बेदर्दी से मुसलमानों को जो है वो कत्ल किया गया था बल्कि एक केस जो कि के बहुत ही हॉरफिक और बहुत ही ग्राफिक था इसको गुलबर्ग सोसाइटी मैसिकर कहा जाता है जिसमें गुलबर्ग सोसाइटी अहमदाबाद की वहाँ पर इनके एक कांग्रेस के लेजस्लेटिव एम एल ए थे मेम्बर्स जो गुजरात की स्टेट असम्बली थी उसके मेम्बर एहसान जाफरी जिनका नाम था उनको उनकी पूरी फैमिली के साथ जो है वो जला के मार दिया गया था और एहसान जाफरी को जिस बेदरदाना तरीके से कत्ल किया गया था कि तलवारों से पहले उनके जिस्म के आज़ा जो है वो काटे गए थे और फिर उसके बाद जला दिया गया था ऑल माई गॉड सुन के अभी भी मुझे जो है वो रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं सो so इसी दौरान जो एक और केस बहुत ज़्यादा प्रोमिनंस हासिल किया था वो था बिल्कीज बानो रेप केस नाउ बिल्कीज़ बानो इन टू थाउजेंड टू वॉज ईयर ओल्ड गर्ल हु वॉज एक्सपेक्टिंग हर सेकेंड चाइल्ड छोटी उम्र में शादी हो गई एक बच्चा एक शीर ख्वार बच्चा था ऑलरेडी उसका और दूसरी बच्चे से वो हमला थी शी वॉज प्रेगनेंट और हुआ ये कि जब ये फसादे टूटे तो शी वॉज हॉपिंग फ्राम विलेज टू विलेज वो एक विलेज से दूसरे विलेज और दूसरे विलेज दूसरे विलेज जा रही है ताकि उनको पना मिल सके वहाँ पर और वो अपनी तो तकरीबन फैमिली के सत्रह लोग जो थे वो सात थे सो एक मखसूस वो किसी विलेज में पहुँची मुझे इस वक्त उसका नाम याद नहीं है बट वहाँ पर कुछ हमलावरों ने उनके इस काफ़िले पे या उनके इस ग्रुप पे जो है वो हमला किया ये हमलावर वो थे जो कि इनके अपने गाँव के रहने वाले लोग थे और बिल्कीस के अपने पड़ोसी थे लेकिन ऑफकोर्स हिंदू थे और बिल्कीस की फैमिली के इन सत्रह लोगों में से चौदह को जो है वो मर्डर कर दिया गया जिसमें बिल्कीस की अपनी बहन जिसका अपना एक जो कि प्रेग्नेंट थी और उसका भी एक छोटी सी बेटी थी उसको भी रेप किया गया और उसका मर्डर किया गया और बिल्किस के बारे में कहा जाता है कि उसका गैंग रेप किया गया और गैंग रेप इस बुरे तरीके से किया गया दैट शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस वो अपनी जैसे कहते हैं कि अपना होश वह जो है वो खो बैठी और फिर ये समझे ये जो जो रेपस्ट थे ये जो टेररिस्ट थे जिनका ऑफ़कोर्स बजरंग दल से ताल्लुक़ हो गया किसी भी हिंदू तंजीम से इंतहा पसंद हिंदू तंजीम से ताल्लुक़ था आ, कहते ये हैं कि जी आ, वो उसको छोड़ के चले गए ये सोच के कि ये शायद मर गई है बट शी वॉज अ लाइव शी वॉज प्रेगनेंट बाई दी वॉज ऑल्सो प्रेगनेंट एज आई सेट सो वो बच गई और बहरहाल जी उसका केस हुआ कुछ इंडिया में जाहिर है जहाँ पे इस किस्म का जुल्म हुआ है इनके साथ वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने इन हंगामों और इन दंगों और फसाद में मुसलमानों के साथ खड़े हुए इनफैक्ट इसके जो अपने लॉयर्स थे वो हिंदू लॉयर्स थे सो दो हज़ार में बिल्किस बानों के जो जिस कहते हैं कि जो बंदे इस पूरे वाक्य में उसकी फैमिली के मर्डर और उसके रेप में इन्वॉल्व थे उनको उम्र कैद की जो है वो सज़ा सुनाई दी गई मेरे ख्याल से उसमें शायद दो तीन लोग जो हैं वो तो एक तो ट्रायल के दौरान मर गया था एक दो शायद जेल में मर गए बट ग्यारह बंदे अभी भी जिंदा हैं सो so, फिर हुआ ये कि 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी वाले दिन तो ये बंदे 2008 में जेल में चले गए 15 अगस्त 2022 सबसे तकरीबन डेढ़ साल पहले गुजरात की गवर्नमेंट ने इन बंदों की जो सजा है उसको मौतल कर दिया और उन्होंने कहा कि जी इनके चाल चलन अच्छे हैं ये बंदे ठीक हैं सुधर हैं इनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया इट बिकेम एन इंटरनेशनल न्यूज़ ये एक बहुत बड़ी ख़बर बन गई थी बिल्किस बानो के जो ये कन्विक्ट थे आई I मीन mean, ये बाकायदा जो अपनी उम्र ये चौदह साल से जेल में थे और उन्होंने कहा जी बस चौदह साल बहुत गुजार लिया जेल में अब इनको रिलीज़ करो ज़ाहिर है जब ये जेल से निकल कर आए तो फिर इनको हीरोज़ वेलकम वहाँ पे दिया गया वहाँ के जो उनके फैमिली वाले थे वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं एंड ऑल एंड देर वॉज अ ग्लोबल इंटरनेशनल कॉन्डमनेशन ऑफ दिस डिसन जो कि गुजरात की गवर्नमेंट ने किया था सो बिल्कीस बानो के फिर दो देवर टू लॉयर्स टिथ दिस मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उन्होंने वहाँ पर जाकर यह बोला कि क्योंकि इन इन जो 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 कॉन्विक्ट थे इनका केस मुंबई हाई कोर्ट में चला था तो गुजरात स्टेट की जुरिस्टिक्शन तो इसमें हुई होती ही नहीं है तो इसी बुनियाद पर उन्होंने आ, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है दो रुकनी बेंच मेरे ख्याल से ताकि जिसने आज फैसला दिया है कि गुजरात गवर्नमेंट का यह डिसीशन इलीगल था इलीगल इसलिए था बिकॉज अगर इनकी सजा को खत्म करना आता था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को करना चाहिए था जहाँ पे मुंबई लोकेटेड है एंड नॉट द गुजरात गवर्नमेंट सो so ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनका जो फैसला है ये अनल करार दे दिया है सो नाउ दीज गाइज हैव टू गो बैक टू द जेल अब वो क्या करेगी गवर्नमेंट दैट रिमेन्स टू बी सीन बिकॉज याद रहे जी ये जो बंदों को रिलीज किया गया था अगर मैं गलती पर पढ़ना हूं गुजरात में इलेक्शन से कुछ अरसा पहले किया गया था एंड जाहिर जो राइट विंग हिंदू है बिकॉज ये ये बजरंग दल, ये बजरंग दल दल एक्चुअली वो तंजीम थी कि जिसने बड़ी तादाद में सैकड़ों मुसलमानों को जो शहीद किया था उसके पीछे बजरंग दल जो है वो शामिल थी जो कि इट्स विश्व हिंदू परिषद एक तंजीम जिसका एक और इंतहा पसंद तंजीम उसका हिस्सा है और आप जानते हैं ये सब के सब संघ परिवार का हिस्सा है आरएसएस राष्ट्रीय एस राष्ट्रीय संघ और जिसका ये वो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों का एक गठ छोड़ है जिसको संघ परिवार कहा जाता है एंड देन ऑफ कोर्स वी नो दैट द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो इनका पॉलिटिकल आर्म है सो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स के यहाँ पे मामला जो है वो क्या हुए होंगे सो अब सीन ये हुआ है कि जी महाराष्ट्र uh, गवर्नमेंट के uh, कहते ना कि बॉल इज इन कोर्ट नाउ व्हाट डिसीजन डू दे मेक इन के हवाले से ये एक uh, चीज़ है विच रिमेन्स टू बी सीन सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस एंटायर मैटर सो या चलेंजिंग और राइट और क्या सीन है और ये सीन है कि uh, तो आई जस्ट थॉट कि आपको जरा इस बिल्कीस बानो के केस का बताया जाए बिकॉज आज इंडिया में ये बड़ी खबर है बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो इंडिया का लीगल सिस्टम है उनके लिए दिस इज दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि यार अभी भी इट इज़ डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड या आई थिंक उस बेचारी बिल्किज बानो की तो ज़िंदगी तबाह कर दी इन लोगों ने आई मीन शी लॉस्ट फोटीन मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली और uh, उसके अपने साथ भी जो हुआ जो रेप की वजह से वो जो एक मेंटल ट्रॉमा जिससे वो अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर गुजरेगी उसके शायद थोड़े आंसू पुज जाएं इस चीज़ के हवाले से सो so, बिकॉज उसकी वीडियोस जो मैंने 2022 में देखी थी जब इसके रेपिस और मर्डरर्स को जो है वो रिलीज़ किया गया था जस्ट कैप्ट्राइंग इन ज़ाहिर है नैचुरी मेरे ख्याल से हम तो वो शायद फील भी नहीं कर सकते चीज़ That she uh, would have gone through. So, challenge, yeah, uh, I just thought, ha. This is the this is a picture of Bilkis Bano. By the way, this is a recent picture of her. So, she, she's a middle-aged woman now. Just what bilki's She was 19 years old, as I told you, and now she is uh, uh, she must be, uh, I think, 40 years old now. And she she has more kids, by the way. और इनकी इनकी हस्बैंड के साथ भी जो है वो तस्वीरें वगैरह आई हुई थी एंड सो या चलें जी आ, ये हो गई बात बिल्कीस की एंड वी नाउ मूव टू द नेक्स्ट